नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू जयपुर वॉइस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग एक साथ ही चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष संयोजक के तौर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की नियुक्ति की गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा अहम पद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया है, जो कि मध्य प्रदेश से ही आते हैं और बेहद बड़े नेता हैं देश के, प्रदेश के, और ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। आज ही ये लेटर आप देख सकते हैं, तुरंत प्रभाव से उनकी नियुक्ति लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि काफ़ी ज़्यादा विश्वास पात्र नेता हैं, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, दोनों के बेहद करीबी माने जाते हैं और बेहद मजे हुए नेता माने जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही थी, गुटबाजी को लेकर हो या कैसे भी संगठन स्तर पर जो बातें सामने आ रही थी, ये नियुक्ति उसको लेकर बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि नेताओं में वहाँ के जो तालमेल बिठाने को लेकर हो, चाहे मुख्यमंत्री से तालमेल बिठाने को लेकर हो, ये काम नरेंद्र सिंह तोमर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक बनाने का मतलब है कि पूरे चुनाव का प्रबंध किस तरीके से करना है, उसमें क्या क्या रोल किसको देना है, ये एक बहुत अहम पद होता है और अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है। तो कहीं ना कहीं एक जो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश में, उन्हें संयोजक बनाया गया है इस प्रबंधक समिति का, इसको देखकर अभी ये लग रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुत सारे जो इनपुट्स मिले थे, जो पार्टी आलाकमान को, उसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर सबसे उपयुक्त, जो पसंद मानी जा रही थी। और खबर तो यहाँ तक आ रही थी कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, बहुत सारी खबरें आ रही थी। लेकिन इसी बीच में ये बड़ी खबर आई है, उन्हें चुनाव प्रबंधक समिति का संयोजक बनाया गया है, जो कि बहुत ही अहम जिम्मेदारी होती है चुनाव के समय में। और कहीं ना कहीं ये जो नियुक्ति है, अब मध्य प्रदेश में जो दो प्रभारी नियुक्त किए गए थे, उसके बाद जो ये प्रबंधक समिति के जो संयोजक नियुक्त किए गए हैं, उसको लेकर पार्टी आलाकमान की तरफ से जो ये संदेश आया है, कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और एक बेहद कद्दावर नेता हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में काफ़ी अच्छी खासी पकड़ है इनकी, और ये फ़ायदा मध्य प्रदेश में बीजेपी को हो सकता है, जो उन्होंने ये एक मास्टर स्ट्रोक आप मान सकते हैं, एक नियुक्ति जो उन्होंने करी है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।